गरीब दिख रहा है भाई, मैं नहीं गुची का चश्मा है ऐसे गरीब लोगों। चालू है क्या वीडियो? तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग फॉर डेली व्लॉग्स कि आप व्लॉगिंग चालू करो फिर से, यू हैव अ गुड लाइफस्टाइल, यू आर अ ट्रेडर, यू हैव सम गुड कार्स, तो सोचा कि थोड़ा बहुत चलो व्लॉग्स बनाते हैं। तो अभी वी आर गोइंग आउट, मेरे मेड दीदी जो है उनको हमें गिफ्ट देने जा रहे हैं, उनका बर्थडे था रिसेंटली, उनको बर्थडे के लिए गिफ्ट पैक करने वाला है। तो चलो बॉयज लेट्स गो। हेलो बॉयज, अरे मस्तान की चाबी किधर भाई? मस्तान की चाबी किधर है? इधर भाई, तुम्हारा अपना सीट हो गया है थोड़ा बहुत, तुम्हारा जिस हिसाब से तुम बैठे हो, जिस हिसाब से बैठे हो बिल्कुल स्टॉप लॉस वाला दिन लग रहा है। गोल्ड 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 ने खा लिया है ना? गोल्ड फक्ट अप टुडे। गोल्ड तो पहले प्रॉफिट दे रहा था ना भाई? गोल्ड फक्ट अप टुडे। फक फक दैट्स डीपर देन द डील। यस चलो भाई, मम्मा आओ, काम से जा रहे हो और एक ब्लॉग भी बनाना होगा, हीरो मेरे ख्याल रख लेंगे, देख लो भाई। तो हम वेयरिंग दीज शूज, आई डोंट नो व्हिच वन दीज आर, भैया को शूज का शौक है एंड दीज व्हिच इज ग्लासेस, आई डोंट नो, भैया को नहीं पता है सर। प्राइस मत पूछना, प्राइस मत पूछना कितनी है क्या है, आई डोंट नो, रोज देखते हो? अच्छा ओके, आई टेक लाइक इन दैट बालकनी थिंग। हां और मैंने आपको सर मैसेज भी की थी एक्चुअली। ओके ओके, हां अच्छा अपन चाबी भूल गए। बाय बाय। ये बॉय हंसना, तो देखेगी वीडियो, वो देखेगी वीडियो, अगर देखी प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। मैं गंदा देख रहा हूँ क्या हुआ? बाकी एक एमजी तो बाहर है, ये इधर है, फोर से इधर एमजी बाहर है, बाहर जाना पड़ेगा भाई। क्या दिमाग लगा उधर से पलटा के लिया है ना? एक प्रॉपर रिवील वीडियो डालूंगा जब वो वायरल चाहिए मुझे, इसलिए मैं पूरा बाद में साथ में रिवील करूंगा। ऐसा पूरा कपड़ा फेंकते हुए, लाल कपड़ा ऐसा फेंकते हुए। वीडियो निकालने निकले अंकल, बोल रहे इतने जल्दी कैसे बाहर आ गए? अब देखो भाई मैं गियर कैसे डालता हूँ, क्लच दबाया, राइट हैंड हटाया, जादू नाइस। ये तो कभी कभी जो जाता नहीं है फिर इनको बोल देता हूँ, जो भी साथ में होता है उसको बोल देता। अब इसने रास्ते में, उस दिन का पता है क्या तुम लोगों को, मेरी मस्टैंग खड़ी थी रास्ते पे, खड़ी गाड़ी, खड़ी कार ठोक दी भाई, लड़कियां आई पीछे से 15 साल की, 3 लड़कियां थी, ट्रिपल सीट, उसमें भी 10th का एग्जाम था उनका अगले दिन, और वो मेरी मस्टैंग को रास्ते में पार्क्ड प्रॉपर पार्किंग लाइट्स के साथ खड़ी गाड़ी ठोक दी भाई। लड़कियों को लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए, दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को डैमेज कितना हुआ। नहीं नहीं बोल के मुझे 50,000 रुपए का खर्चा आ गया, पुलिस के पास लेके गया, मतलब कंप्लेन डालने गया, तो पुलिस बोले नहीं, बोले ये खर्चा तो खुद को ही उठाना पड़ेगा या तो इंश्योरेंस में देख लो। अब इंश्योरेंस उसका ऐसा है कि जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहां पर ना कोई शोरूम है ना कुछ है, अब मुझे वो भेजना पड़ेगा पुणे, फिर उसके बाद पुणे भेजूंगा मैं, फिर उसके बाद पहले तो पुणे भेजने के लिए 70,000 रुपए मुझे लगता है ट्रेलर से भेजने के लिए, और 50,000 रुपए के आसपास का पेट्रोल लगता है अगर मैं ड्राइव करके भेजूँ, फिर उसके बाद वापस लाने के लिए और सेम 1.5 लाख रुपए तो मेरा आने जाने में खर्चा हो गया, फिर उसके बाद और उसको रिपेयर को जो भी खर्चा आएगा या फिर डॉक्यूमेंटेशन का आएगा, उससे अच्छा फिर अब मुझे वो थोड़ा सा डैमेज के साथ ही चलाना पड़ेगा, कलर वगैरह गया, पेंट गया थोड़ा सा। और फनी थिंग ये है कि लेफ्ट से भी ठोका, राइट से भी ठोका, उठाते हुए पहले लेफ्ट से ठोका, फिर भागने के लिए राइट से ठोक के गई,
मतलब लड़कियां डोका कुठे, दिमाग किधर रहता है लड़कियों का? सॉरी लड़कियां अगर मतलब इस वीडियो में होगी तो नो ऑफेंस, आई लव गर्ल्स, यस आई डू, बस लड़कियों को गाड़ी चलाने नहीं देनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मेरा ये मानना है। हाँ तो वो लड़की ने ठोका तो ठोका, उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद हमने बोला कि मम्मी पापा को कॉल लगा के दो, या तो फिर एटलीस्ट मतलब, क्योंकि क्या होता है इफ वी वांट टू क्लेम इंश्योरेंस, अगर क्लेम करना है तो तुमको FIR डालना पड़ता है। तो FIR डाले बिना मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता। अब FIR डालने के लिए मुझे जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर्सन से एक्सीडेंट हुआ है, उसको लेना पड़ता है सर। तो मैंने जब बोला कि चलो आप एटलीस्ट FIR डालने में थोड़ा हेल्प करो, तो उसके बाद व्हाट दे डिड इज दे फ्लीड एंड उन्होंने 10-15 लड़के बुला लिए। वो टपोरी नहीं होते क्या पूरे, जो झगड़ा करने आते हैं तुमसे, पूरा आके खर्रा खा रहे। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो व्हाट खर्रा इज, वो लाइक होता है टबैको एंड समथिंग, तो वो खा रहे थे एंड लाइक पूरा एकदम वो लोकल ऑडियंस नहीं रहता क्या, वैसे 10-15 लोग जमा हो गए थे एंड दे वर लाइक आस्किंग मी तेरी गलती है, तू ऐसा था। मैं बोला यार भाई मेरी खड़ी गाड़ी है, खड़ी गाड़ी में मेरी कैसी गलती रह सकती है? पार्किंग में लगी थी भाई गाड़ी, पार्किंग में लाइक लिटरली ऑफ द रोड, रोड के नीचे लगा कर थी। अब इंडिया है, यहाँ पे पार्किंग जोन तो होते नहीं है एकदम प्रॉपर पार्किंग जोन बना कर रखे हुए करके, हमें पहले लेने जाना है, पर कॉल नहीं उठा रहा यार, साइड होगी। अभी हम लोग थार लेने आए, थार लेने के लिए आया अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माउंटिंग का थोड़ा इशू आ रहा था, मतलब क्लच के टाइम पर थोड़ा सा इशू आ रहा है कार में कभी कभी। तो हम थार रिपेयर को दी थी, थार सिद्धांत के हाथ से एक्सीडेंट हो गया था, तो सिद्धांत ने ठोक दिया था। उसके बाद सिद्धांत बोले इंश्योरेंस नहीं करता, ऐसे ही कर लेता है करके, तो फिर हमने ऐसे ही कर लिया। और फिर अभी थार रिपेयर होने के बाद हम थार लेके जाएंगे, MG रख देंगे एंड उसके बाद हमें जाना है दीदी को गिफ्ट देने के लिए। तो अभी समर जा रहा है, मतलब गर्मी का टाइम है और नागपुर इज वेरी हॉट, मतलब जिन सिटीज में हम रहते हैं महाराष्ट्र इज वेरी वेरी हॉट। तो फिर हम सोच रहे हैं दीदी को एक कूलर गिफ्ट करने का, तो कूलर गिफ्ट करके फिर यू नो उनका वो भी हो जाएगा। दीदी भी खुद बोल रही थी कि उनके लिए कूलर चाहिए था, उनको उनका बर्थडे हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वैसे तो एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। चलो दीदी को कॉल करते हैं। हेलो अरे का बोलू ना का, ये ना मैं आता, मैं आ रहा हूँ ना अभी, अभी आ रहे सही में घर पे चूँ मैं, नहीं तो मैं अभी मैं लेने आ रहा हूँ। अभी अगर आपने 5-10 मिनट टाइम वेस्ट किए फिर मेरा मूड बदल जाएगा। नहीं, मैं घर पे चूँ, मैं कहीं नहीं जा, मैं बस थार लेने आया हूँ रिपेयर से, थार लेता हूँ पिक करता हूँ और उसके बाद मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आपके घर पे तो जाने वाली कहाँ है? आपको जहाँ पे कूलर लेने जाना है जो जगह दिखते रखी आपने। अच्छा ठीक है ना, आइए, पैसा है ना 50-50 करेंगे। क्या हंस रहे? मजाक मत कीजिए। क्या मजाक मत कीजिए? क्या अगली पेमेंट में काट लीजिएगा? अभी चाहिए मुझे, अभी तो कुछ नहीं, तो हस्बैंड के जेब में गया जी। हां चलो ठीक है, आ रहा हूं मैं। ठीक है आइए जी। दीदी को बहुत मजा आता है भाई, AC ऑन कर रहा हूँ भाई मैं। यार ये भैया 5 मिनट बोला, मुझे लगा यार आज तो चालू ही होगा, और कॉल किया निकलते हुए, कॉल 2 बार नहीं उठाया, हमेशा मेरे साथ होता। लास्ट टाइम संडे को मैं भेजा था, देखो तो दुकान बंद थी भाई। ये रील पॉपुलर जानी चाहिए यार भाई, ये देख रील कितनी प्यारी है। फिर उसके बाद अब देखो सबसे प्यारा आ गया। और इतना प्यारा वो सुनता है ना मेरा, मैं उल्टा सेट देखो 10 I love you। तो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये वीडियो, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लव हीरो बाय द वे। और सब लोग पागल जैसे वो ही कर रहे हैं कि हाँ भाभी कौन है, हाथ किसका पकड़ा है। भाई इतनी अच्छी रील बनाई है, रील के बारे में कुछ बोलो, तारीफ करो। नहीं कल क्या हुआ, वी वर आउट, हम कहीं पे गए थे
एंड मस्टैंग लेके गया था, मस्टैंग और मेरी एक और कार लेकर गया था, तो देयर वाज दिस क्यूट यंग गाय एंड यू नो बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं सपने दे रहा हूँ करके बच्चों को, कुछ सपने दे रहा हूँ जिनसे वो यू नो आगे जाके उनके पास भी मोटिवेशन रहे कि कुछ अचीव करना है करके. ऑल्सो बाय द वे फॉलो नहीं किया तो जाना, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गो एंड फॉलो नाउ इफ यू हैव नॉट फॉलोड ऑलरेडी. 280 के फॉलोज है, 300 के करना है हमें जल्दी यार, वी आर वेटिंग. मुझे तो 1 मिलियन करना है वैसे, पर सपने बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं ना, 1 मिलियन बहुत दूर की बात होगी. तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो हो भी जाएंगे शायद. हो जाएंगे. कितने अरमान तुझे? मेरे? हाँ? मेरे का है? कितने हैं? आपसे 10 गुना कम. 1 मिलियन बोले आपने? अरमान आपसे 10 गुना कम. ये 20 भी. तुम्हारी आईडी बताओगे इनको फॉलो मिले? नहीं. वो परेशान करते लोग है ना. सर नंबर दे दो, भैया का नंबर दे दो. चलो सो यार दैट्स दैट. हम वेट कर रहे हैं अंकल के आने का, वो आएंगे. ये इधर वेयर हाउस दिखा दो जहाँ पे बंद पड़ा है. हम लोग आए हैं इतना टाइम निकाल के और फिर वो अभी बंद पड़ा हुआ है. तो अभी यहाँ पर हमें हमारी कार पिक करनी है, कार पिक करके ये कार छोड़नी है, जितना भी सामान है सब निकाल लेना. फिर उसके बाद हम जाएंगे घर पर, मस्टैंग लेंगे, मस्टैंग लेके दीदी को लेंगे जाएंगे. आर का नंबर बहुत वीआईपी लिए थे अपन ने, 3 भाई. मैं पतला हो गया होता ना, पूरा वेट गेन करना पड़ेगा, जिम चालू करना पड़ेगा. शायद 2-10 मिनट लगते चालू वो तो नहीं इंजन हीट अप कर रहा है. 1 मिनट ये मिसिंग है. अरे ये तो मिसिंग है, ये तो चेंज हो गया. ठीक है मैं बात करता हूं, सब फोटो निकाल के भेज दूंगा. हां ठीक है, वो फोटो निकाल के भेज दे और लगा ही नहीं ना. तो अभी हम ने थार ले ली है. थार का एक्चुअली पीछे का बम्पर टूट गया था एक्सीडेंट में, तो उसके बाद से अभी बम्पर रिपेयर के लिए गई थी गाड़ी. अभी हम जा रहे हैं थार छोड़कर मस्टैंग लेने, मस्टैंग लेंगे और फिर दीदी को लेने जाएंगे. अब वहां पे जाएंगे तो सही, पर हम लोग वहां से कूलर लेके कैसे आएंगे? वो लोग ही लेके आते ना, वो उनके उनका ही ट्रेलर लगा. मैं वही सोच रहा हूँ, मस्टैंग पे तो कूलर डाल नहीं सकते. अच्छा तो हंस थोड़ा सा, एक्टिंग कर रहा है तू. इनको एक्टिंग करनी पड़ती है मेरे साथ साथ, नाटक करना पड़ता है कि मैं फनी हूँ करके. अब बाय द वे आई हैव गॉट फुल ब्लैक फिल्म्स, पूरे ब्लैक फिल्म्स है, किसी को कुछ नहीं दिखता अंदर क्या चल रहा है. ये बॉय समझ गया तुम्हें क्या हंस रहा भाई? यार ट्रैफिक इज वे टू मच. मैं सिर्फ रात में गाड़ी निकालता हूँ. वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो पूछ रहे थे कि इतने जल्दी कैसे निकल गए बोले आज. तो हम लोगों का सीन ऐसा है, मेरा तो ऐसा है कि आई डोंट गेट आउट ऑफ द हाउस. सुबह से शाम तक रात तक घर से नहीं निकलता, सीधा रात में निकलता हूँ 7 बजे, फिर रात को 2-3 बजे वापस आता हूँ मैं. I love one thing about Mustang. Come here. पहले तो I got the lowers done. The lowers वगैरह मैंने करा है. That looks sexy as fuck. The rear lowers and side lowers. फिर उसके बाद इधर we got the carbon hood. We got carbon hood and carbon top. We got all of these done after the accident. Accident होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना upgrade करके ही लाए. और यहाँ पे आएगा एक 2-pass spoiler. इतने साइज का एक स्पॉइलर आएगा, बहुत बड़ा वाला. एंड इट विल लुक सो डोप. एंड वन थिंग आई लव अबाउट मस्टैंग इज जितने भी बाकी गाइस हैं पोर्शे में, आई हैव टू अनलॉक इट ऐसे जाके. मस्टैंग में इफ यू हैव द की इन योर पॉकेट, वॉक नियर इट, इट विल गेट अनलॉक्ड ऑटोमेटिकली. अब आवाज सुन. अब
हम जैसे गरीबों के लिए एक चीज बता दो, ऐसी गाड़ियां जो होती है उनको थोड़ा हीटअप होने देना पड़ता है। क्या होता है ये इनके इंजन जो होता है वो बहुत हैवी होता है, एंड आई डोंट नो क्यों होता है कि मतलब आपको हीटअप होने देना पड़ता है, उसके बाद कुछ देर बाद जब वो ठंडा होगा, जब आवाज़ उसकी कम होगी, तब जाके यू हैव टू यू नो स्टार्ट द व्हीकल। अभी पहले उसकी आवाज़ कम होने देंगे, उसका RPM जो होता है वो 1 के नीचे आने देना पड़ेगा, 1 के नीचे जब आएगा तब हम वो गाड़ी चला सकते हैं। अब थार में भी लगता है अंकल वही कर रहे थे, उनको लगा शायद स्पोर्ट्स कार है करके उन्होंने चालू करी और रैम मार रहे थे जगह पे। तो पहले इंजन हीटअप होता है, वो अब ठंडा होगा, कूल डाउन होगा, थोड़ा सा जब आवाज़ कम हो जाएगी, यू कैन लाइक ध्यान से सुनोगे तो आवाज़ धीरे 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 कम हो रही है, राइट? सो वंस दैट गोज डाउन देन आई कैन मूव द कार अराउंड। अभी हमारी पार्किंग भी वो छोटी है, यहाँ पे मैं रेव करके ज़रूर सुना था तुम लोगों को, बट ये है भाई बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग वाले मुझे निकाल देंगे अगर मैं ज़्यादा करूँगा। पहले ही मेरे कुत्तों से बहुत परेशान है लोग, ऊपर से मैं बहुत परेशान करता हूँ लोगों को, एक तो मेरा शेड्यूल बहुत ख़राब है। As you can see, अभी थोड़ा आवाज़ कम हो गया ना कार का, तो अभी हम उसे निकाल सकते हैं। लाइक द RPM हैज ऑल्सो गॉन डाउन, कम द क्लासिक मस्टैंग अपना हॉर्स एंड देन द मस्टैंग थिंग, देन वी गॉट द बेसिक ये स्टीयरिंग। आई डिड नॉट गेट द कार्बन फाइबर वाला स्टीयरिंग, कार्बन फाइबर लगवाना है, आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग इट रिमूव्ड एंड एक कार्बन फाइबर का स्टीयरिंग लगाने की सोच। एंड नाउ यू कैन सी द RPM इज बिलो 1, वो जो अब रेवोल्यूशन पर मिनट होता है ना, वो RPM इज बिलो 1, अब मैं गाड़ी निकाल सकता हूँ। दीदी नहीं आ रहा मैं, क्यों? गिफ्ट कैंसल, क्यों? क्या क्यों? आप आते क्या, मैं बुलाता तो टाइम पे नहीं, मेरा दूसरा फोन भाई उसके अंदर देखना है, फोन हो सकता है। चलो मैं निकल ही रहा हूँ जस्ट अभी। नहीं यार, कितना टाइम लगेगा ये पूछ रही थी। बस 5 या 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट। अच्छा ठीक, नहीं मुझे खाना बनाने भी जाना है। नहीं नहीं 10 मिनट में हो जाए, मैं आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, चलेगा। हाईवे समृद्धि गई है, समृद्धि गई क्या 300 पार? ये हाईवे पे अपने कौन से ये वाले हाईवे पे नहीं समृद्धि पे गई आओ भगाए होगा 300 से आओ क्या। वैसे उसमें कंपनी क्लस्टर 280 का देता। अच्छा अच्छा वो वाली और भी फास्ट है, दूसरी वाली वो वाली ना, वो एक्चुअली फास्ट नहीं है, पावर इसमें ज़्यादा है। अच्छा। और ये बहुत हैवी है, इसकी पूरी बॉडी मेटल है। अच्छा अच्छा अच्छा। इंजन भी है, उसकी बाकी बॉडी फाइबर है। अच्छा, वो हल्की है और उस पर कार्बन फाइबर भी लगा है बीच बीच में। हाँ ओके, थोड़ी हल्की है, सोचा सोचा नहीं दे उससे अच्छा ये गाड़ी सही लग, दिखने में बहुत अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती, वो नहीं लग रही, लेकिन ये दिखने में लुक इसका अच्छा है और हैवी गाड़ी दिखती है, इसकी वजह से ऑटोमेटिक है ना, गियर नहीं डालना मत बस हैंड में रखते। वैसे यूजुअली मैं ऐसा रेव करता नहीं, और अभी बच्चे थे
तो इसलिए मैं बोला चलो उनके लिए कर देता हूँ। वो देख बच्चे कैसे दिखता है। चल बाय बाय गाड़ी की आवाज बहुत ज्यादा है। मैं अगर कांच नीचे करूंगा ना तो आप लोग आवाज से पागल हो जाओगे। पर वही है फिर व्लॉग का आवाज नहीं आएगा इस वजह से मैं अभी ज्यादा नहीं सुनूंगा। तुम लोगों को अगर मस्टैंग की ज्यादा आवाज सुननी रही तो मुझे बताना मैं नेक्स्ट व्लॉग में सुनाऊंगा ज्यादा। और अभी व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, हमें शॉर्ट रखना है, पहले ही व्लॉग है बहुत टाइम बाद। तो व्हाट आई एम गोना डू इज दीदी को जल्दी से उठाएंगे, उनके मन का कूलर उठाएंगे। अबे यार कैश घेतलास तो नहीं अपन, कैश बुलाना पड़ेगा आप किसी के हाथ से। आपके पास है कैश? नहीं। आपके पास ऑनलाइन है? ऑनलाइन हो गई 1000 रुपए। क्या बात है भाई, क्या बात है। मस्टैंग में घूम रहे हो पता है? मस्टैंग 1 करोड़ की गाड़ी है, मतलब 80 की है पर बाकी खर्चे वर्चे लगा के वो एक के ऊपर ही चली, एक के ऊपर चली गई, 1.15 चली गई, मॉडिफिकेशन एक्सीडेंट वो सारे खर्चे पकड़ के। वो छोड़ मुझे ये बता अब हम कैसा करेंगे, कैश को ला के दे सकते हैं। वैसे ये अभी अपन कहाँ जाने वाले लेने? एक काम को बता, किसी को कॉल करके बुलाते। हाँ या तो ऑनलाइन पेमेंट मारना पड़ेगा फिर। ऑनलाइन किसके पास होगा? मेरे पास ऑनलाइन है पर यार फिर ऐसा है कि मग मला ऐसा कर कि मैं तुझे ये देता कैश देता, मुझे ऑनलाइन दे देना बाद में। क्या मैं कैश दूंगा, मुझे ऑनलाइन दे देना। अरे यार मेरे पास बैंक में पैसा नहीं रहता यार। कैश में भी नहीं रहता मेरे पास, गरीब हूँ मैं, गाड़ियों में लूट गया पूरा। दीदी के बच्चे इतने इरिटेटिंग है भाई। अरमान उस दिन झापड़ मारा ना, एक थप्पड़ मारा पीछे ले जाके मारा, बहुत रो रहा था मैं, मतलब और रोया तो और मारूंगा। फिर उसके बाद चुप हुआ। दीदी के बच्चे छोड़ो मेरे पास एक दो दिन के लिए, पूरा सुधार के लाता हूँ। हेलो हेलो, क्या लेने जा रहे? एक चीज बताना भूल गया, पैसे लाना भूल गए हम लोग। कोई बात नहीं, चलिए मैं दे देती हूँ, मैं दूंगी पैसे, चलेगा? सीरियसली भूल गए पता है क्या दीदी, हम घर पे गए गाड़ी लिए पैसा लाना ही भूल गए। करो पीछे चलो, करो कर ये। करो करो जल्द से करो, जोर लगाओ ना दीदी। अरे वैसे नहीं, अरे बाप रे ऐसा जोर लगाओ, दबाओ ऐसे। हाँ बस गुड, जहाँ दूर भी नहीं है धीरे, एसटी बस थोड़ी है। ऐसे दरवाजा पड़ रहा है, जोर जोर से सीट बेल्ट लगाओ। चिल्लर है क्या आपके पास? अरे सॉरी दीदी, मुझे लगा कोई आया है, मुझे पता नहीं लगा। वेरी सॉरी, कोई बात नहीं, तो आगे चलो चलिए, सीट बेल्ट की जरूरत नहीं। अच्छे फुल गारंटी है कि आप ड्राइविंग अच्छे करते हैं। सीट बेल्ट इसलिए है क्योंकि वो बीप करता है, ये साउंड आता उसका। अभी तो फिलहाल आया नहीं साउंड, आएंगे जब 20 के ऊपर स्पीड जाती तब आता होगा। हाँ, बस 20 के स्पीड में जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे। बस आगे पहुंच गए, बस पहुंच गए। क्या मजाक कर रहे हैं, बस हो गया। मेरी लगाओ की तरफ यहाँ पे लगा लीजिए। पैदल आ रहा था। हाँ ना दीदी पैदल बुला ली। मैं आपको बोल भी रही थी भैया ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही इतना अभी पास आइए, थोड़ी पता था मुझे। कूलर के पैसे नहीं लाए, कोई भी दिक्कत आई ये गाड़ी का सिर्फ एक आधी पार्ट दे देना, उतने में आ जाएगी। अरे रुको यार, वो बहुत देर से कॉल आ रहा है, कॉल बैक कर ही देते हैं। और ये गाड़ी आती है, फिर ये भैया कौन है? हाँ आप कौन हो? मैं इनका फोटोग्राफर। पोर्शे आपकी है क्या? पोर्शे इनकी, दोनों आप कहाँ रहते हो भैया? मैं म्यूट कर देना, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक ही नहीं ना, एक्सीडेंट हो गया था। ओह इससे भी हो गया था, और एक बार बाइक से हुआ था, तो गाड़ी नहीं थी फिर। वीडियो में आ रहा हो क्या? आ रहा है क्या वीडियो में? आ रहा है। ठीक है आ रहा। आपको चैनल का नाम क्या है? टेड पे पूरा ब्याह सिग्मा आई ना थी, ट्रेडिंग सर्च करनी। तो भाई फोटो ले लो। ओ वो
चलो ये कुछ नहीं ज्यादा नहीं सिर्फ 13,000 का है, ज्यादा नहीं सिर्फ 13,000 का है, अच्छा नहीं कोई बात है, बहुत सस्ता है, इससे सस्ता आता ही नहीं, आता ही नहीं, फिर ऐसी है कोल्ड ड्रिंक ला दो, पानी है क्या? नहीं मिलेगा, क्यों? भेज दिए ना, वो है ना? नहीं वो छोटा वाला है, आपको बड़ा वाला चाहिए था, वो तो बोला इतना छोटा क्यों इतना महंगा दे रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा, मजाक क्यों कर रही हूँ? सही में कल ही खत्म हो गया, अभी आए 8 बजे तक क्या है तो मैं कॉल कर देता, 3 पीस आ रहे हैं वैसे, आ जाएंगे ना, क्या हो रहा है? ब्लॉग बना रहे क्या? क्या हुई? 8 बजे तक आ रहे हैं, देखिए बाद आ जाएंगे, अब क्या क्या बनता है? कॉल कर देता रात में, आओगे तो अपन साथ में आ जाऊंगा, आप सही में बिजी नहीं थे? अरे तो आ जाऊंगा, आने दम में आ जाऊंगा, कॉल कर देता हूं, कॉल कर देता हूं, ओपन हो जाए शॉप, कब तक ओपन रहते हैं? 9:30-10:30 रहती है, आ जाएंगे ना, आगे से पलटाना पड़ेगा, ये मत करना, मिरर ऑफ मत करना, रात में खरीद के देते आपको कूलर, रात में लेके आ जाऊंगा, उसके पास कूलर अवेलेबल नहीं था, मतलब जो लेना था दीदी देख के आई थी, क्या हाँ। हो गया बिक गया बोले, उस दिन कल था, इसके पापा बोले भी दोनों चला गया, मैं बोली नहीं ना पापा है, उनके पास स्टॉक रहता है, और अभी कैसे सीजन है तो बिक गया और कैसे पूरब भैया थोड़े से कंजूस है, नहीं जी कंजूस थोड़ी ना बोली मैंने, सिर्फ बोला ले, ऐसी नहीं है ना, बस नहीं है ना, कितने जोर जोर से मारते दरवाजा, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ध्यान नहीं रखेंगे, बाय बाय। चलो भाई अब चलते हैं, वो 15 मिनट से फॉलो कर रहा है साइकिल से, मैं मस्टैंग से हूँ और मस्टैंग से ये लोग साइकिल से पीछे पीछे आ रहे हैं, घर तक आ जाएंगे भाई, व्लॉग कर रहा है शायद, वो व्लॉगिंग कर रहा है, ये भी वो उधर वाला बच्चा, अब देखना नीचे उतरने के बाद भी आ जाएंगे साथ, यार बच्चों का क्रेज अलग ही रहता है ना गाड़ियों को लेकर, और मतलब उनको और ज्यादा पसंद होता है, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में फंस जाते हैं, ये लोगों के सपने होते हैं, हम लोगों के सपने मर जाते हैं।
अब वो घर तक आएगा, जब मैं रुकाऊंगा पार्क करूंगा तब वो मिलने आएगा तुम्हारी गाड़ी देखने के लिए। बोलो सब्जी हम लाएंगे। इसकी चाबी नहीं है अभी साथ में? इसकी चाबी है क्या साथ में? पूछेगी साथ में? नहीं ऊपर ही है। ऊपर ही है? देखने दो बच्चों बड़ा लिए। तू भी आएगा? तभी आएंगे ना, तुम आए तो किसी ने आएंगे। तुम लोग वहां से आ रहे हो ना? हमारा भी देना नहीं है। वैसे मुझे ये बताओ, किसी को मालूम है कौन सी है? कितना सीसी का बस का है, राइट? कितना सीसी होता है? यूजुअली बच्चों को मुझसे ज्यादा मालूम होता है। गाड़ी के अंदर ये बच्चा अगर फॉलो करते हो बहुत देर से भैया, हम आपको नहीं क्या बहुत दिनों से ढूंढ रहे, दो महीने हो गए कम से कम। ऐसे मत ढूंढो भाई, लोग भाई भाई पुलिस है क्या भाई जो ढूंढ रहा भैया आपके साथ भी है? नहीं नहीं भाई मेरे साथ बिल्ली रुक गया। मस्टैंग अभी चलो 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 बाय बाय मस्टैंग अगर स्टोरी में डालेंगे तो होगा क्या? कोई इशू नहीं, नहीं नहीं डालते डालते आराम से। तो दैट इज इट, नेक्स्ट टाइम और कुछ अच्छा लेके आएंगे व्लॉग, कुछ इंटरेस्टिंग। सो लॉट ऑफ पीपल वॉन्टेड टू सी माई लाइफ स्टाइल एंड हाउ माई डे गोज। सो सुबह से तो दिन भर काम रहता है। आई गेट फ्री आफ्टर द मार्केट क्लोजेस, 3:30-4 बजे के बाद जब मार्केट बंद हो जाता है तब मैं फ्री होता हूँ। तो अभी थोड़ा फ्री हो गया था, अभी व्लॉग हो गया, अभी व्लॉग हम एडिट करवाएंगे एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग एज वेल। और चलो बाय एवरीवन, सब बताना, कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा। तो सब्सक्राइब करो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है, अच्छा एंगेजमेंट आता है, अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं, तब जाके हम और भी व्लॉग्स बनाएंगे, और भी अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे, इससे भी अच्छे और तुम लोगों को सुपरकार्स वगैरह और चीजें देखने मिलेगी। नेक्स्ट टाइम हमारा एक सुपरकार्स का राइड का प्लान था, उसका भी व्लॉग बना सकते हैं। 4-5 गाड़ियां आने वाली है, स्पेशल वन ऑफ देम इज जी वैगन एज वेल, एक जी वैगन भी आने वाली। तो या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। चलो बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।